ये है चाइनीज़ का वेपन है 120-125 में आपको मिल जाता है, ठीक है। ये ज़िगाना PX9 है। अगर हम इसके बाद आ जाएँ, टॉरस के भी हैं अवेलेबल हमारे पास। टॉरस का मैं आपको ये दिखाऊँ, ये टॉरस का बड़ा फेमस पिस्टल है PT-92। इस टाइम आप हैं टेक्टिकल आर्म्स खालिद बिन वलीद रोड ब्रांच पे, और हमारी एक ब्रांच डिफेंस में भी है, टेक्टिकल आर्म्स के नाम से ही है। हमारे पास जो है इम्पोर्टेड वेपन्स की ह्यूज क्वांटिटी अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए मजबूरी बन चुका है, आपके सामने हालात जैसे हैं, आपके सामने मतलब डकैती वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग गई है, ठीक है। तो इस वजह से अब ये ज़रूरत पड़ गई है। पहले तो ये भी था कि मतलब लोग शौक के तौर पर भी रखते थे, बाकी हम इसको स्पोर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं वेपन्स को। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम हवाई फायरिंग करें, ये जो कि गलत चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि हवाई फायरिंग हमें नहीं करनी चाहिए, हमें इसको स्पोर्ट्स और अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए, ओनली सेफ्टी के लिए। वेपन परचेज़ करने का लीगल तरीका बेसिकली, आपको तो पहले एक 25 एज जो सिंध के लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, 25 एज है, तो आप 25 के हों, आपके जो है वन विंडो सर्विस हम देते हैं। हम एक तरह से कंसल्टेंट के तौर पर भी आपको डील करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। वन विंडो सर्विस है, वेपन भी हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है 25 की एज होनी चाहिए, जो सिंध गवर्नमेंट के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। सर नॉर्मल चार्जेस अगर आपको वैसे फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, तो उसमें मेरे ख्याल में फ़ीस जो है इनकी वो 5000 है, जो सिंध की है। अगर आप ऑल पाकिस्तान की वो टोकन जमा कराते हैं तो उसकी फ़ीस है तकरीबन 7500 रुपये, ठीक है, जो बैंक में चालान वगैरह जमा होता है। हमारी जो कंसल्टेंट फ़ीस है वो 45000 है, जिसमें हम सब कुछ आपका काम हम खुद करेंगे। आपको सिर्फ वहाँ जाना है, बायोमेट्रिक करना है, सब कुछ फॉर्म वगैरह हम आपके फ़िल कराएंगे। इसमें रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि एक तो आप एक अच्छे शहरी होने चाहिए, ठीक है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई आपके ऊपर एफआईआर कटी हुई है या आपका कोई मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो उस पर ये लाइसेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपकी एफआईआर वगैरह या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो आपका लाइसेंस बिल्कुल नहीं बनेगा, वहाँ पर जो है एफआईआर का रिकॉर्ड आ जाएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड आ जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट में, तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा। सर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें जो है आप वेपन्स तो ज़ाहरी बात है आपको पता होगा लोकल मार्केट में यहाँ पर भी बन रहे हैं, पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, लोकल मार्केट में बन रहे हैं, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि कस्टमर को हम इंपोर्टेड वेपन पे लेके आएँ, क्योंकि इंपोर्टेड वेपन की रिलायबिलिटी और क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि बारूद चलता है, बुलेट फायर होती है, तो खुदा ना खास्ता जो लोकल बने हुए होते हैं यहाँ के, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उन चीज़ों को बर्दाश्त करें। कुछ ऐसी चीज़ें भी बनी हुई होती हैं कि वो खुदा ना खास्ता यहाँ पर फट भी सकती हैं, आपने अक्सर वीडियोस में भी देखा होगा वेपन, तो इसमें आपको एहतियात करनी चाहिए और कोई मेरे हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपका बजट है तो आप इसमें जो इम्पोर्टेड वेपन है वो 100K से स्टार्ट होते हैं, फिर आप जहाँ तक जाएँ 200K जाएँ, 300K जाएँ, फिर ये बेसिकली आजकल वेपन आपको पता है एक स्टेटस बन गया, लाइक जैसे आप अच्छी घड़ी पहनते हैं, अच्छा मोबाइल यूज़ करते हैं, अच्छी गाड़ी यूज़ करते हैं, सही है आपकी अच्छी गाड़ी है, तो ये वेपन भी ऐसी आजकल स्टेटस बना हुआ है। सर इसमें देखें फर्स्ट टाइम में तो कोई नहीं होता, आप एक ही दफ़ा लें, कोई अच्छा वेपन लें, सही नॉर्मल अगर आप रेंज में आ जाएँ तो हमारे पास तकरीबन 100K से स्टार्ट होते हैं, जैसे चाइनीज़ हैं, सही है, ये है चाइनीज़ का वेपन है, 120-125 में आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप यहाँ से आएंगे चाइना के बाद जो हैं, फिर हमारे पास जो हैं टर्की की रेंज आ जाती है, टर्की के अच्छे वेपन्स हैं, जिसमें आप ये ज़िगाना वगैरह है, ये ज़िगाना PX9 है, अच्छा पिस्टल है, ये 145 का है, सही है। इसके अलावा फिर इससे ऊपर भी जा सकते हैं आप, जहाँ तक आप जाएँ। अगर हम इसके बाद आ जाएँ, टॉरस के भी हैं अवेलेबल हमारे पास। टॉरस का मैं आपको ये दिखाऊँ, ये टॉरस का बड़ा फेमस पिस्टल है PT-92, ये आपको तकरीबन 190 का मिल जाता है मार्केट में। और इसके बाद हम जो है ग्लॉक वगैरह पे भी आ सकते हैं, जो अच्छे वेपन है। फिर ग्लॉक तो आपको पता है, नाम तो आपने सुना होगा ग्लॉक का, तो फेमस पिस्टल है, बड़ा अच्छा पिस्टल है, ग्लॉक भी आपको मिल जाएगा। नॉर्मल पिस्टल की रेंज इंपोर्टेड वेपन्स होते हैं, इनकी रेंज 100K से, मैं आपको बताया कि 100K से स्टार्ट होते हैं, 100K से आप जहाँ तक जाएँ 200K, 300K, 400K, 500K, मतलब
10 लाख 15 लाख तक भी पिस्टल आते हैं। इनकी जो नॉर्मल 9mm की रेंज होती है वो तकरीबन 50 to 75 meters तक की रेंज होती है, और अगर राइफल है तो राइफल 300+ ही है उनकी रेंज। सर मेरे पास ये देखें, आपको दिखाता हूँ ZEV 308, ये है ZEV 308 है, USA की है, बहुत अच्छी राइफल है। आप इसको चेक करें सर, ये 500 मीटर्स तो है अफेक्टेड जो इसकी रेंज है। वैसे बुलेट तो ट्रैवल जो करती है वो काफ़ी दूर तक करती है, लेकिन जो अफेक्टेड रेंज है वो तकरीबन 500 है। सर इसके अलावा हम फिर आते हैं, हमारे पास अभी आई हुई है नई वैरायटी HK की। ये बेसिकली HK की MP5 है, 9mm के अंदर बहुत अच्छी वो है MP5, और मेड इन जर्मनी है, ठीक है, बहुत अच्छी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इसमें जो है PFB बनाता है, लोकल मार्केट में PFB देता है, ये जर्मनी की है। सर देखें, जब भी कोई कस्टमर आते हैं नया, जब लाइसेंस होल्डर होता है, हम उसको हर चीज़ की जो है गाइड देते हैं। पहले सबसे पहले सेफ्टी है इसमें, क्योंकि इसमें ज़ीरो चांस है इंसिडेंट का, ठीक है, तो हम सबसे पहले उनको पूरी सेफ्टी देते हैं। अपनी शूटिंग रेंज हमने नीचे बनाई हुई है, जिसमें हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, पूरा 15-20 मिनट की ब्रीफिंग देते हैं। उसके बाद आप इसको शूटिंग रेंज जाएँ, वहाँ पर आप इसकी जो है प्रैक्टिस करें, ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको ले चलूँगा शूटिंग रेंज में, वहाँ आपको सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, सेफ्टी पर्पज जो भी हैं इसके। इस टाइम जो हम पिस्टल चलाने आए हैं वो है बेसिकली CZ-75 चेक रिपब्लिक की है, ठीक है, इसको हम चलाएंगे इस टाइम यहाँ पर। और सबसे पहले आपको सेफ्टी का ये चीज़ें बता दूँ मैं आपको, कभी भी आप वेपन हाथ में लें, हैंडल करें, तो आपकी फिंगर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ कभी भी उंगली नहीं होनी चाहिए। और हमेशा अपने माइंड में ये रखें, चाहे आपने इसको कितनी मरतबा भी चेक किया है आपने, हमेशा अपने माइंड में ये रखें कि इसके अंदर बुलेट है, ये खाली नहीं है, सही है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें माइंड में अपने रखनी है। और इसके अंदर लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये लॉक का बटन दिया हुआ है, सही है, इसको ऊपर करेंगे तो ये पिस्टल लॉक हो जाएगा, नीचे करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। और हमेशा जब भी वेपन कैरी करें, आपने सबसे पहले इसको जो है चेक करना है कि इसके अंदर कोई बुलेट तो नहीं है। आपने जब भी चैम्बर करना है, सामने कोई नहीं होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, आपने किसी के सामने चैम्बर नहीं करना है इसको। जब भी चैम्बर करेंगे, या तो हम नीचे क्रॉस की तरफ पिस्टल रखेंगे, या अगर कोई सामने ओपन एरिया है तो हम ओपन एरिया में इसको चैम्बर करके चेक करेंगे। अब जब भी आपने वेपन हैंडल करना है और चैम्बर करना है, तो वो हम खाली ओपन एरिया में हम चैम्बर करेंगे, किसी के सामने हमने चैम्बर नहीं करना कभी भी। और ये चीज़ें हैं आपकी जो आपको अपने माइंड में रखनी है, हमेशा लाजमी रखनी है, क्योंकि इसमें ज़ीरो चांस है इंसिडेंट का, खुदा न खास्ता कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो अब हम आपको टेस्ट फायर करवाते हैं इसके। ये जो है अभी आपके सामने रखी हुई चीज़ें, ये वेपन है, ये मैगजीन है, और ये बुलेट है। ये बुलेट जो हम अभी चलाएंगे वो है 9mm, सही है, तो हम इसमें अभी आपको चला के दिखाएंगे। अच्छा, जब भी आप वेपन आप हैंडल करें और चैम्बर करें, आप सही है, चैम्बर करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी यही बताया कि यहाँ पर फिंगर होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चैम्बर करते हुए हमने ये पीछे ग्रिप्स दी हुई है इसकी, यहाँ से वेपन को हमने चैम्बर करना है। चैम्बर करते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल स्लो चैम्बर नहीं करना, वरना कोई भी पिस्टल होगा वो बुलेट इसमें रुक जाएगी, अटक जाएगी। स्लो चैम्बर कभी भी नहीं करना आपने। अब जब चैम्बर आपने यहाँ से करना है और यहीं से आपने छोड़ देना है इसको, ठीक है। उसके बाद जब आप एम की तरफ जाएंगे, तब हमारी यहाँ पर फिंगर आनी चाहिए, बिल्कुल जब आप रेडी हो जाएं कि अब मैंने वेपन चलाना है, तब उंगली आपकी जो है फिंगर यहाँ पर ट्रिगर पे आनी चाहिए। अब हमने जब ये फायर किए हैं, अब इसमें बुलेट्स तो थी ज़्यादा, ठीक है, हमने इसमें जो है दो फायर किए हैं, तो जब दो फायर हो चुके हैं तो तीसरी बुलेट भी इसके अंदर, थर्ड बुलेट भी बैरल में आ चुकी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, थर्ड बुलेट निकालने के लिए हम पहले पिस्टल की पोजीशन ये बना लेंगे, सही है, उसके बाद हम यहाँ से जो है चैम्बर करेंगे, बुलेट बाहर आ जाएगी। और फिर आपने एक दफ़ा सामने जहाँ खाली जगह हो, कोई भी ना हो, आपने फायर करके चेक करना है, आपने पूरा तसल्ली करनी है कि इसके अंदर अब कोई गोली नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने आपको वेपन्स के बारे में बताया, उसके बाद हम जो है आपको शूटिंग रेंज भी लेके आए हैं, यहाँ पर आपको चला के भी दिखाई हैं गन। तो जो लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ों में, वेपन रखने का शौकीन लोग हैं, चाहे वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए रखना चाहते हैं, तो वो आप हमारे पास आएँ, हम आपको प्रॉपर एक गाइड करेंगे इन चीज़ों के बारे में, लाइसेंस के बारे में भी, आपको शूटिंग रेंज का भी गाइड करेंगे, हम आपको स्पोर्ट्स में भी किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, हम आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देंगे इस चीज़ के बारे में।
हमारी शॉप जो है खालिद बिन वलीद रोड पे है, लोकेटेड टैक्टिकल आर्म्स के नाम से, और यही टैक्टिकल आर्म्स की एक और ब्रांच भी है जो डिफेंस में है ख़याबान इतिहाद पे, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलेगा और आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे हम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।